लाहौर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टेट बजर के इस प्रांगण में। साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम जो है आपको समय समय पर हिंदी साहित्य से संबंधित जो है हम सभी जानते हैं, जैसे कि हमारे पास हिंदी साहित्य में चार काल हैं और चारों कालों से आप सभी को मालूम है कि बहुत से क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, ठीक है, और हमें एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों पर विचार विमर्श करने पर कि किस प्रकार के जो हमें प्रश्न है एग्जाम में देखने को मिलते हैं बार बार, और जो है अन्य किस प्रकार के प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, क्या होता है कि जब हमारी हिंदी साहित्य की बहुत सी गत परीक्षाएं हमने जब देखी कि किस प्रकार से हमें जो है बार बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को सभी को केंद्र बिंदु बनाकर हमने जो है आपके लिए हिंदी साहित्य से संबंधित एमसीक्यू तैयार किए हैं, जिससे फायदा ये होगा, लाभ ये होगा हमें कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनकी जो तैयारी है ना साथियों, वो बड़ी आसानी से हो सकती है और अच्छे मार्क्स लेकर, अच्छे नंबर लेकर, अच्छे अंक लेकर आप जो है सफलता को हासिल कर सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य रहता है, इसलिए आपको जो है हिंदी साहित्य से संबंधित जो है एमसीक्यू करवाए जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथियों, अगर आप घर बैठे हिंदी साहित्य से संबंधित मास्टर कैडर की जो पंजाब भर में पोस्टें निकली हुई है, उन्हीं सभी मास्टर कैडर के लिए जो वक्त जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो विषय हैं उनकी आप अगर बखूबी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे टेट बजर अकेडमी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, क्या है कि हम जो है आपको जो कहते हैं कि लाइव क्लासें भी आपको देंगे, रिकॉर्डेड क्लासें भी होंगी, साथ ही साथ आपको पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स भी जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ क्या होगा कि आपको जो है टॉपिक वाइज जो है आपको क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे, एमसीक्यू करवाए जाएंगे। इसका लाभ हमें आपको, मैंने आपको पहले ही बताया, इसका लाभ हमें ये होगा कि हम जैसे विषय को तैयार करने में जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हम हर काल के बारे में जानेंगे ना, उसी प्रकार से भिन्न भिन्न कालों के बारे में आपसे एमसीक्यू भी आपको करवाए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत भी हो सके। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे टेट बजर अकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारी जो है आप बखूबी कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम जो है, आप सभी को मालूम है कि पंजाब भर में जो पोस्टें अनाउंस हुई हैं, जैसे कि निकली हुई है ईटीटी के लिए 1994 और मास्टर मिस्टर जिसको मास्टर कैडर भी बोलते हैं, तो 4185 पोस्टें हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट की हैं, अलग अलग विषय की हैं, उनकी तैयारी भी आप बखूबी कर सकते हैं हमारे इस ऑनलाइन कोचिंग का प्लेटफॉर्म माध्यम के साथ, ठीक है। और पीटीआई और आर्ट एंड क्राफ्ट की पोस्टें के लिए भी आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों के माध्यम से, ठीक है। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि प्रथम नंबर का जो क्वेश्चन है, जो हमारा शुभारंभ है, वो प्रथम क्वेश्चन से करते हुए हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है साथियों, वो ये है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है, यानी के कहने का भाव ये है कि भारत भारती का जो भावना है, जो मुख्य केंद्र है, जो केंद्र बिंदु है, वो क्या रखा गया है कवि में। तो भारत भारती की जो मुख्य भावना है उसके बारे में हमने देखना है। तो ए ऑप्शन में हमारे पास है दैन्य भावना, बी में है राष्ट्रीय भावना, सी में है प्रेम भावना और डी में है भक्ति भावना। तो भारत भारती में किस प्रकार की भावना है, राष्ट्रीय भावना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी, राष्ट्रीय भावना हमें देखने को मिलती है। भारत भारती किसकी रचना है, तो भारत भारती रचना है मैथिली शरण गुप्त की। किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की, ये तो सही है। और प्रकाशन वर्ष क्या है इसका, तो साथियों वो है 1912। प्रकाशन वर्ष क्या है, 1912 भारत भारती की रचना है। इस पर इन्हें जो है राष्ट्र
दी मिली, और दी किसने? महात्मा गांधी ने दी। किने दी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इन्हें, ठीक है, महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ठीक है, भारत भारती के लिए इन्हें जो है जेल भी जाना पड़ा था, है ना, भारत भारती के लिए इन्हें जो है जेल भी जाना पड़ा था। मैत्री क्षण गुप्त को 1912 में प्रकाशित हुई, राष्ट्र कवि की उपाधि मिली, दी किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पर फिर से आते हैं। तो भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? राष्ट्रीय भावना की। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो आधुनिक युग की मीरा भाई कौन है? ए शिवानी गोरा पंत, बी महाश्वेता देवी, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी महादेवी वर्मा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जो है ये छायावादी कवित्री है। छायावादी कवित्री है, ठीक है, और रहस्यवादी कवित्री है। ठीक है जी, महादेवी वर्मा जो है वो छायावादी कवित्री है, साथ में रहस्यवादी भी है। महादेवी वर्मा जी, इन्हें जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, महादेवी वर्मा। ठीक है जी, महादेवी वर्मा। हरिओद के प्रिया प्रवास में सर्गों की संख्या क्या है? हमने ये बताना है कि प्रिया प्रवास में जो सर्ग है वो कितने हैं। ए ऑप्शन में हमारे पास है 17, बी 19, सी 21 या डी 23। तो हरिओद के प्रिया प्रवास में महाकाव्य जो है हरिओद जी का प्रिया प्रवास, सर्गों की संख्या कितनी है? 17। 17 सर्ग पाए जाते हैं, 17 सर्ग पाए जाते हैं प्रिय प्रवास में। तो प्रिय प्रवास जो है, प्रिय प्रवास जो है, प्रिय प्रवास में क्या है? प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है, ठीक है, जो कि ऊपर भी हमें देखने को मिलता है, क्वेश्चन में भी लिखा है ये कि ये एक महाकाव्य है। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है ये हम जानेंगे। तो इसका प्रकाशन वर्ष साथियों है 1914 इसका जो है प्रकाशन वर्ष है प्रिय प्रवास का। साथ में इसमें राधा क्या है? इसमें राधा क्या है? लोक नायिका, लोक नायिका, लोक सेविका, लोक नायिका, लोक सेविका के रूप में चित्रित है। इसमें कोई दिव्य रूप नहीं दिखाया गया, इसमें लोक नायिका है, यानी के लोगों को प्रेरणा देने का माध्यम करती है। लोक सेवा सेविका है, यानी के लोगों की सेवा करती है। तो इसमें कोई दिव्य रूप राधा का हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये हमारा था आंसर ए ऑप्शन 17, इसमें सर्ग पाए जाते हैं। ठीक है जी, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, तो निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है ये हमने जानना है। तो ए सरप्पा, बी पुष्पदंत, सी स्वयंभू, डी हेमचंद्र। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि है हमारा सी ऑप्शन स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है जी, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है किसको? स्वयंभू को। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, स्वयंभू। रामचरितमानस की मानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? रामचरितमानस ए राजस्थानी में है, बी अवधी में है, सी भोजपुरी में है या डी ब्रज भाषा में है।
तो साथियों आप सभी को मालूम है, बहुत अधिक कह लीजिए, सुप्रसिद्ध कह लीजिए, रामचरितमानस तुलसीदास का, रामचरितमानस तुलसीदास का सुप्रसिद्ध प्रसिद्ध कह लीजिए, ये महाकाव्य है। ठीक है, और ये जो महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, ये जो है अवधी भाषा में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, सॉरी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, अवधी भाषा में है। तो रामचरितमानस किसकी रचना है, मैंने आपको अभी बताया, रामचरितमानस तुलसी की रचना है, तुलसीदास की रचना। तुलसीदास क्या थे, राम भक्त कवि। ठीक है जी, कांड कितने हैं जी रामचरितमानस में, तो सात कांड है, सात कांडों में ये विभक्त है रामचरितमानस। भाषा कौन सी है वो तो हमारा क्वेश्चन ही है, हमें वैसे ही पता लग गया कि रामचरितमानस की भाषा अवधी है, ये रहने दो। तो हम इसके बारे में और तथ्य जानेंगे, जैसे रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, कांड इसमें सात है, और किसमें कलिकाल का वर्णन हुआ है, तो कलिकाल का वर्णन आपसे पूछ लिया जाए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि रामचरितमानस के किस कांड में कलिकाल का वर्णन है, तो कलिकाल का जो वर्णन है वो इनका अंतिम कांड है जिसका नाम है उत्तरकांड। उत्तरकांड में क्या है, कलिकाल का वर्णन है। ठीक है जी, कलिकाल का वर्णन किसमें, उत्तरकांड में। आपसे अक्सर अक्सर जो है हिंदी साहित्य में बहुत बार पूछा गया है कि कलिकाल का वर्णन किसमें मिलता है, तो उत्तरकांड में मिलता है। ठीक है, तो सात कांड है इसके, अवधी भाषा में है, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास राम भक्त कवि थे, तुलसीदास का जन्म भी आपको मैं बतला देता हूँ 1532 में हुआ था, ये भी आप याद रख लीजिए, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये भी पता हो तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। ठीक है, बहुत से तथ्य हमने रामचरितमानस से देखे। चलते हैं आगे, कमायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, कमायनी को छायावाद का उपनिषद ये किसने कहा, ए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, बी गजानन माधव मुक्ति बोध ने कहा, और इनको शॉर्ट नेम से भी पुकारा जाता है मुक्ति बोध, सी इंद्रनाथ मदान ने कहा, डी शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा। तो कामायणी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, तो डी ऑप्शन में हमारे पास है शांति प्रिय द्विवेदी, तो शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद को उपनिषद कहा। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, शांति प्रिय द्विवेदी। और छायावाद का समय क्या है, छायावाद का समय है 1918 से 1938 भी माना जाता है। ठीक है, और 1918 से 1936 भी माना जाता है, 1920 से 1938 भी माना जाता है, यानी कि बहुत बार जो है अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसका समय माना है, तो 1918 से 1938, 1920 से 1938, 1918 से 1936 तक भी माना गया है। तो जो आप सभी को मालूम है कि कमायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, तो डी ऑप्शन शांति प्रिय द्विवेदी ने, तो हमारा जो 6 का डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं आगे, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है, रत्नाकर का जो गंगा अवतरण है वो किस छंद में है, तो रत्नाकर का जो गंगा अवतरण है साथियों, ए ऑप्शन में चौपाई में है, बी दोहा में है, सी रोला में है, डी गणाक्षरी में है, तो किस में है, तो रत्नाकर कृत गंगा अवतरण का जो है वो जो है रोला में है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, रोला के अंतर्गत जो गंगा अवतरण का जो है रचना की गई थी रत्नाकर जी ने की थी। गोरख बाणी ग्रंथ के संपादक है, गोरख बाणी ग्रंथ के संपादक कौन है, गोरख बाणी, ठीक है, इस ग्रंथ का जो संपादक है वो कौन है, ए गोरखनाथ जी है, बी पीताम्बर वरदत्त वटवाल जी है, सी रामचंद्र शुक्ल है, डी राम नरेश त्रिपाठी है। तो कौन है गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक, तो बी
वाणी ग्रंथ के संपादक, ठीक है जी। इसी के साथ गोरखनाथ, नाथों की संख्या कितनी थी, नाथों की संख्या तो 9 मानी जाती है, ठीक है। नाथों की संख्या कितनी थी, 9। और सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो सिद्धों की संख्या थी 84। 84 कितने थे, सिद्ध। 9 कौन थे, नाथ। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, पीताम्बर दत्त वर्तव्याल। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है, अष्टयाम। ए कृष्ण की, बी राम की, सी शंकर जी की, डी विष्णु जी की। तो अष्टयाम जो रचना है उसमें किसका वर्णन है, अष्टयाम नामक पुस्तक में जो है राम की दिनचर्या का वर्णन है। अष्टयाम में किसका वर्णन है, राम की दिनचर्या, यानी कि राम जो है वो अपना दिनचर्या किस प्रकार से व्यतीत करते हैं, तो इस प्रकार जो है राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है अष्टयाम में। और बी ऑप्शन में हमारे पास राम है, तो सही आंसर हमारा बी ऑप्शन है, राम। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं, यानी कि द्विवेदी युग के जो सबसे श्रेष्ठ कह लीजिए, सर्वश्रेष्ठ कह लीजिए, प्रगीतकार माने कौन जाते हैं। ए रूप नारायण पांडे, बी लोचन प्रसाद पांडे, सी मुकुटधर पांडे, या डी इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ जो प्रगीतकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं साथियों, सी में हमारे पास है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जो है वो माने जाते हैं द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार, मुकुटधर पांडे। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। द्विवेदी युग की कविता है, अभी हमने बताना है कि द्विवेदी युग की कविता में क्या विशेषता थी। देखो ए उपदेशवात्मक, ए इतिवृत्तात्मकता थी, बी प्राकृतिक का चित्रात्मक था, सी नवजागरण परक था, या डी नारी चेतनात्मक है। तो द्विवेदी युग की कविता में क्या है, तो द्विवेदी युग की कविता में जब हमने द्विवेदी युग का अध्ययन किया था तो द्विवेदी युग जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है द्विवेदी युग, ठीक है जी। इसी के साथ जो है द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो है 1900 से लेकर 1920, ठीक है जी, 1900 से लेकर 1920। कुछ आलोचक जो है कुछ आलोचक 1918 भी मानते हैं। क्यों मानते हैं जी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जो है उनकी झरना नामक, ठीक है जी, झरना नामक काव्य कृति का प्रकाशन हुआ, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, उपदेशमात्मक ए इतिवृत्तात्मकता, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट। निराला किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, निराला यानी के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो किसे मानते हैं। ए विवेकानंद को, बी परमहंस को, सी अरविंद को, डी कृष्ण को। तो निराला जो है वो अपना आध्यात्मिक गुरु किसे मानते थे, तो निराला जी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है अपना आध्यात्मिक गुरु जो है वो विवेकानंद को मानते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, विवेकानंद, ठीक है। छायावाद के कवि हैं ये, निराला छायावाद के कवि है निराला जी। और निराला जी को जो है निराला जी जो है उनको महेश कहा जाता है, महेश यानी कि शिव रुद्र कहा जाता है, ठीक है जी। और इसी के साथ निराला जी ने जो है बहुत सी रचनाएं भी लिखी, ठीक है। निराला जी ने सबसे बेस्ट कह लीजिए, प्रसिद्ध कह लीजिए स्रोत स्मृति है निराला जी का,
स्मृति जो है वो क्या है, सरोज स्मृति इन्होंने अपनी 18 वर्षीय पुत्री की मृत्यु पर रचना की, ठीक है जी। 18 वर्षीय पुत्री थी इनकी सरोज, उन पर सरोज स्मृति का जो है इन्होंने वर्णन किया है। पहला शोक गीत माना जाता है विश्व भर का और हिंदी साहित्य का, ठीक है जी। सरोज स्मृति निराला जी की रचना है, छायावादी कवि कवि है निराला जी, ठीक है। रबड़ छंद, केचुआ छंद आदि इन्होंने ही चलाया था, मुक्तक छंद जिनको बोलते हम। और ए में हमारे पास विवेकानंद है, विवेकानंद ही इनके आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी, ठीक है। तो इसी के साथ साथियों, ये हमारा ए ऑप्शन के साथ हम देखेंगे कि अगर आप साथियों हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपने बड़ा ही आसान सा काम करना है और आप जो है हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे कि आपने सबसे पहले अपने टाइप क्या करना है, अपना सबसे पहले अपना नाम टाइप करना है, उसके बाद अपने पेपर को टाइप करना है, यानी कि जिस पेपर की आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं। जरूरी ही नहीं आप हिंदी, आप पंजाबी या किसी भी मास्टर कैडर से संबंधित हैं, अगर जिस किसी की भी आप मतलब कोचिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप उस पेपर को आप टाइप कर लीजिए, फिर अपना सिटी यानी कि अपना शहर, अगर आप किसी गांव से भी संबंधित है फिर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है साथियों, आप अपने गांव का नाम भी टाइप कर सकते हैं। इसी के साथ आप अपना जेंडर को टाइप कीजिए, जैसे कि मेल फीमेल, फिर आप अपने सबने ये टाइप करके आपने जो है स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप हमें संपर्क करेंगे, आप हमें मैसेज करेंगे, आप जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। बड़ा ही आसान सा काम है साथियों, इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आप पंजाबी से हैं, हिंदी से हैं या एसएसटी से संबंध रखते हैं मास्टर मिस्टर स्कैटर से, तो आपने आपको जो है लेक्चर दिए जाएंगे, ठीक है, लाइव रिकॉर्डिंग दोनों प्रकार के आपको लेक्चर दिए जाएंगे, ठीक है, और पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से। इसके साथ ही आपको जो है जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस विषय भी में भी आप जो है हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, उस मतलब सब्जेक्ट से संबंधित आपको जो है टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी और आने वाले एग्जाम जो है, आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें आप सफलता को हासिल कर सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स लेकर आप जो है बिल्कुल सफलता को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए साथियों, अगर आपको फिर भी आप हमारा डेमो देखना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ने से पहले आप अपनी तसल्ली करना चाहते हैं, फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारा एकदम फ्री डेमो देख सकते हैं। कैसे क्या करना क्या होगा आपको, आपने कुछ नहीं करना, सरल सा कार्य करना है, आपने टेक्ट बजर ऐप को जो है गूगल प्ले स्टोर से आपने इंस्टॉल करना है, उसके माध्यम से आप जो है फ्री डेमो देख सकते हैं और अपना निर्णय सही ले सकते हैं, ठीक है जी। तो इसी के साथ आप जो है हमारा फ्री डेमो भी देख सकते हैं, ठीक है, फिर आप जो है ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने उसी पड़ाव पर आते हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कर रहे थे उसी को हम करते हुए हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि है हिंदी में प्रचलित बारहमासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है, यानी कि बारहमासा यानी कि 12 जो महीने हैं उनका वर्णन जो है किस कृति में यानी किस रचना में मिलता है वो हमने देखना है। तो आओ साथियों हम देखते हैं इनके ऑप्शन में क्या है। ए नेमी चरियु, बी नेमी नाथ चपियु, सी पम्मचरियु या संदेश रासक। तो हिंदी में प्रचलित बारहमासा का सबसे पहला प्रयोग कृति में हुआ वो थी संदेश रासक, ठीक है जी। संदेश रासक जो रचना है सबसे पहले बारहमासा का प्रयोग इसी में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा डी ऑप्शन है। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। ए सूरदास की है, बी तुलसीदास की है, सी नाभादास की है, डी मीराबाई की है। तो कृष्ण गीतावली हम सबको मालूम है कि कृष्ण गीतावली जो है वो तुलसीदास की रचना है, तुलसी
तुलसीदास की रचना है और ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में है और तुलसीदास की रचना है, ठीक है। इनकी सबसे, तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस, जो कि अवधि भाषा में है। इनके कुल ग्रंथ कितने माने गए हैं? इनके कुल ग्रंथ जो है तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ माने गए हैं। बाकी जो है अलग अलग आलोचकों ने, किसी ने 25 माने हैं, किसी ने 13 माने हैं, तो अलग अलग बहुत माने हैं, लेकिन अधिकतर इनके जो ग्रंथ माने गए हैं, अधिक जो सहमति प्रकटाई गई है वो 12 ग्रंथों पर प्रकटाई गई है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, तुलसीदास। ठीक है जी, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास। रीति मुक्त कवि कौन है, यानी कि रीति मुक्त कवि कौन माने गए हैं? ए देव माने गए हैं, बी पद्माकर माने गए हैं, सी बिहारी है, या डी घनानंद है। तो कौन है जो कि रीति मुक्त कवि है? आप सभी को मालूम है कि रीति मुक्त कवि कौन है, तो रीति मुक्त कवि है घनानंद जी। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, घनानंद। घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है, घनानंद जी। घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। तो डी ऑप्शन में हमारा सही आंसर है, और ये रीति काल से संबंधित है, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। हास्य व्यंग का कवि कौन नहीं है? हास्य व्यंग का कवि हमने देखना है कि कौन नहीं है, तो कौन नहीं है? तो बेढब बनारसी, ये तो है, बी कांतानाथ पांडे चौंच, ये भी है, शिव रतन शुक्ल, ये भी जो है हास्य व्यंग के हैं, और कौन नहीं है? रामे शुक्ल अंचल। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है वो हास्य व्यंग के कवि नहीं है। प्राग पैंगलम के रचयिता कौन है? ए हेमचंद्र, बी स्वयंभु, सी वंशीधर, या डी विद्यापति। प्राग पैंगलम, प्राग पैंगलम के रचयिता कौन है? प्राग पैंगलम के रचयिता कौन माने गए हैं? तो हमारे पास है, प्राग पैंगलम के रचयिता कौन है? तो प्राग पैंगलम के रचयिता कौन माने गए हैं? प्राग पैंगलम के रचयिता हमारे पास है हेमचंद्र। ठीक है जी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, प्राग पैंगलम के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। सूर सागर किस भाषा में लिखा गया? ए ब्रज में, बी बुंदेली में, सी अवधि में, डी भोजपुरी में। तो सूर सागर किस भाषा में है? सूर सागर जो है वो सभी को मालूम है कि ब्रज भाषा में है। सूर सागर किस भाषा में? ब्रज भाषा में है, सूरदास की रचना है। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ, सूरदास की रचना है सूर सागर। सूर सारावली, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये जो है सूरदास की रचनाएं है, ब्रज भाषा में है। साथ ही साथ सूरदास के गुरु कौन थे ये भी मैं आपको बतला देता हूं, एग्जाम में बहुत बार पूछा था, सूरदास के गुरु भल्लवाचार्य जी, चार्य, भल्लवाचार्य जी जो है वो सूरदास के गुरु माने जाते हैं। ठीक है जी, तो सूरदास के गुरु कौन थे? भल्लवाचार्य जी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ब्रज भाषा में। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी, छायावादी की जो विशेषता है वो सबसे पहले कहां दिखाई पड़ी? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सुमित्रानंद पंत की कविताओं में, बी सी सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचनाओं में, या डी श्रीधर पाठक में। तो छायावाद प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले कहां दिखाई पड़ती है हमें? तो वो दिखाई पड़ती है मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। हिंदी छायावाद इनकी रचना है, मुकुटधर पांडे, हिंदी छायावाद। तो हिंदी छायावाद इनकी रचना है मुकुटधर पांडे जी की। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि छायावाद की प्रवृत्ति सबसे पहले जो है मुकुटधर पांडे की रचना में देखने को मिलती है। डैश अरविंद दर्शन से बहुत प्रभावित थे,
जी, बी जय शंकर प्रसाद और सी महा सॉरी सी सुमित्रा नंदन पंत या डी महादेवी वर्मा। तो अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित थे? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे पंत। पंत जो है सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत जो है वो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है जी, ये चारों के चारों कवि जो है ये क्या है, ये चारों के चारों जो कवि है ये छायावादी कवि है। चारों के चारों कवि जो है ये छायावादी कवि माने गए हैं। उनमें से जो पंत जी है वो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिद्धों का प्रथम कवि, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? ए सरप्पा, बी कनप्पा, सी गुंडरीप्पा या डी शेरप्पा। तो सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? तो सिद्धों का प्रथम कवि सभी को मालूम है, सिद्धों का प्रथम कवि जो है वो ए ऑप्शन में हमारे पास है सरप्पा। सरप्पा जो है वो सिद्धों का प्रथम कवि है। तो सरप्पा की जो रचना है वो है दोहाकोश। दोहाकोश किसकी रचना है? सरप्पा की। सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या सभी को मालूम है 84। 84 जो है सिद्धों की संख्या मानी गई है। सिद्धों की संख्या 84। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। दोहाकोश जो है वो सरप्पा की रचना है, सिद्धों की संख्या 84 है, सिद्धों का प्रथम कवि सरप्पा है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायण के रचयिता कौन है? सीतायण, सीतायण के रचयिता माने गए हैं वो कौन माने गए हैं? ए नाभादास जी, बी पोलंकी राममूर्ति, सी जानकी रसिक शरण, बी डी रामप्रिया शरण। तो सीतायण के जो रचयिता है वो कौन है? तो सीतायण के रचना जो है वो है रामप्रिया शरण। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, रामप्रिया शरण। रामप्रिया शरण जो है वो सीता को प्रधानता देकर लिखा गया उनका काव्य सीतायण है। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया ए पद्माकर की, बी देव की, सी केशवदास की और डी भूषण की। तो रसिक प्रिया किसकी रचना है? यह हमने रीतिकाल जब किया था तो बखूबी किया था कि रसिक प्रिया किसकी रचना है। तो रसिक प्रिया जो है केशवदास की रचना है। तो केशवदास जी जो है उनके बारे में आपको मैं बतला दूं, 1555 में इनका जन्म हुआ। रीतिकाल के कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, रीतिबद्ध कवि हैं कौन? केशवदास जी। जन्म कब हुआ? 1555 में। रचनाएं कौन सी है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, छंदमाला रामचंद्रिका, जिसो की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा गया है। रामचंद्रिका, ठीक है जी, विज्ञान गीता, वीर देव सिंह चरित आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और केशव दास का जन्म 1555 में, ये भी मैंने आपको बता दिया। यानी कि हमसे पूछा तो ये गया था कि ऋषिक प्रिया किसकी रचना है, तो हमने इसका स्पष्ट उत्तर दिया कि केशव दास की रचना है। साथ ही साथ में मैंने कुछ और फैक्ट भी आपको बता दिए जो केशव दास के बारे में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ क्या है, हम अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं, आपका बहुत कुछ जो है क्लियर हो जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? अब हमने ये बताना है कि भारतेंदु युग का वह कौन सा कवि है जो पुष्टि मार्ग में था। तो कौन सा कवि है वह? बालकृष्ण भट्ट ए, बी भारतेंदु हरिचंद्र, सी प्रेमधन, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु युग का वह कौन सा कवि है जो पुष्टि मार्ग में था? तो वो था भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो भारतेंदु का जन्म 1850 में हुआ, 1885 में इनकी मृत्यु हुई। मात्र 35 वर्ष इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की, हिंदी साहित्य की सेवा की मात्र 35 वर्ष जो है हिंदी साहित्य की सेवा की।
ठीक है जी। इन्होंने बहुत से नाटक लिखे, बहुत से मौलिक लिखे और बहुत से अनूदित भी लिखे, उपन्यास भी इन्होंने लिखे, ठीक है। और इनके समय में जो है, भारतेंदु जी के समय में क्या था कि गद्य और पद्य दो अलग अलग थे, यानी कि कहने का भाव ये था कि गद्य में जो है वो खड़ी बोली का प्रयोग होता था और जो पद्य में है वो ब्रज भाषा का प्रयोग होता था, यानी कि ब्रज और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग होता था। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। पुष्टि मार्ग में कौन दीक्षित थे? भारतेंदु जी। और भारतेंदु जी हमारे बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है, तो नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है साथियों? शूल फूल, कर्णफूल, सी द्रौपदी या हंसमाला। तो नरेंद्र शर्मा का जो नरेंद्र शर्मा जी है उनका प्रथम काव्य संग्रह है शूल फूल। शूल फूल बिल्कुल राइट आंसर है, शूल फूल जो है वो ए ऑप्शन में है हमारे पास, और वो ही जो है नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है, ठीक है। तो साथियों इसी के साथ ये हमारा जो है जो 25 का जो सेट है, जो एमपीक्यू है, ये अब समाप्त होता है। इसी के साथ साथियों आप हमें जो है टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ आप जो है हमारे इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। हमने आज जो है बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे और साथ ही साथ उन क्वेश्चनों के साथ, उन प्रश्नों के साथ हमने मुख्य तथ्य भी देखे, और मुख्य जिनको फैक्ट कहते हैं, मुख्य तथ्य कहते हैं, उन्हें भी हमने देखे। उन्हें देखने का कारण ये है साथियों, हो सकता है उनसे मिला जुला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। हमारा भरपूर जोर में ये प्रयास रहता है कि आपको जो है बहुत बढ़िया अच्छे से तैयारी करवाई जाए, ताकि आप एग्जाम जो है आने वाला आगामी परीक्षा जो है हिंदी साहित्य की, उसमें आप जो है सफलता को हासिल कर सके, ठीक है साथियों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मेरे को दीजिए इजाजत, ठीक है जी, और धन्यवाद।